फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बाइनरी लाइफ प्रोजेक्ट्स यूट्यूब चैनल। चलिए आज बनाएंगे म्यूचुअल इंडक्शन कॉइल। ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट तैयार है। इसमें 9 वोल्ट बैटरी, दो वायर लूप और कुछ सर्किट, जिसमें कुछ कंपोनेंट लगे हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर्स। जब हम एक कॉइल को दूसरे कॉइल के पास स्लाइड करके ले जाते हैं, आप देखेंगे कि एलईडी जो कि सेकेंडरी कॉइल में लगा है वो ग्लो करने लग जाता है बिना कोई वायर कनेक्शन के। ये पावर ट्रांसमिट हो रहा है, इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब हम इसे बनाना सीखते हैं, कैसे बना है ये, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम शुरू करेंगे प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। इसके लिए हमें कॉपर कॉइल लेनी होगी जिसमें एक ऊपर से कोटिंग होगी। सबसे पहले हम 10 टर्न लेंगे। ऐसे टर्न लेते जाएंगे और लगभग अपने को 10 टर्न लेना है। जब 10 टर्न हो जाएंगे तो हम एक वायर लूप लेंगे। ये वायर लूप लिया, उसके बाद बाकी के 10 टर्न और लेंगे। कुल मिलाकर हमें 20 टर्न लेने हैं। इस प्रकार से हमें 3 वायर मिल जाएंगे। पहला जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दूसरा उसका मिडिल पॉइंट होगा और तीसरा उसका लास्ट पॉइंट होगा। अब इस कॉपर लूप को हम लोग टेप से बांध लेते हैं। कम से कम 3 बार 3 जगह बांध लेंगे जिससे ये टाइटली कसा रहेगा। अब हम आगे क्या करते हैं, इस कटर से हम वायर के ऊपर की कोटिंग रगड़ के निकाल देंगे तीनों जगह पे। हम लोग पूरी कॉपर साफ कर लेंगे, कोटिंग पूरी निकाल लेंगे। कोटिंग को आप अच्छी तरीके से निकालें, नहीं तो वो सही प्रॉपर तरीके से कंडक्शन नहीं करेगा। अब हम दूसरा लूप भी तैयार कर लेते हैं जिसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। उसमें एलईडी को लगाया जाएगा और जो हमने पहले बनाई है उसमें 9 वोल्ट की बैटरी और ट्रांजिस्टर लगेगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें 20 टर्न्स लेने हैं। इसमें कोई लूप बीच में नहीं लेना है, पूरे 20 टर्न्स लेते चले जाएं। आप देखेंगे हमें यहाँ पर 2 एंड पॉइंट मिले हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। पहले वाले में 3 एंड पॉइंट्स थे, यहाँ 2 एंड पॉइंट्स हैं। अब हम इस कैप में से इस लूप को निकाल लेते हैं और इसे भी टेप कर लेंगे। टेपिंग करने से ये पूरी तरीके से अच्छे से लगा रहेगा, पूरा गोल बना रहेगा।
अब अच्छी तरह से हम इसका भी ऊपर का कोटिंग निकाल लेते हैं, जिससे कॉपर वायर पूरा साफ़ हो जाए। अच्छी तरीके से पूरा पेंट निकाल लें ऊपर से। ये BC547 ट्रांजिस्टर है, इसे हम लोग प्राइमरी कॉइल में लगाएंगे और एक LED ब्लू कलर की। ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, एमिटर, कलेक्टर, बेस। ये वाला कलेक्टर है, बीच वाला बेस है और वाला एमिटर है। अब हम प्राइमरी कॉइल में ट्रांजिस्टर को लगा लेते हैं। अब जो हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है, हम उसमें LED लगा लेंगे। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव LED का कोई भी टर्मिनल कहीं भी लगा सकते हैं। एक बार LED में अच्छी तरह से बाइंडिंग वायर लग जाने के बाद हम उसका टेस्टिंग करेंगे। अब हम लोग 9 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, जिसे कि हम लोग सेकेंडरी बाइंडिंग से ज्वाइंट करेंगे। हम टेस्ट करके देखते हैं सर्किट काम करता है या नहीं करता है, या काम करेगा तो कैसे करेगा। जो लूप था हमने उसे पॉजिटिव में लगाया और ट्रांजिस्टर का ई टर्मिनल हम लोगों ने नेगेटिव में लगाया। उसके बाद में LED वाली जो कॉइल है उसे हम प्राइमरी कॉइल के पास में धीरे धीरे लेकर आते हैं, जिससे आप देखेंगे कि LED जो है वो धीरे 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 ग्लो करने लग जाएगी। देखिए LED धीरे धीरे ग्लो करने लगी। जैसे जैसे आप दूर लेके जाएंगे LED का जो लाइट है वो कम होता चला जाएगा, और पास लेके जाएंगे तो LED का लाइट बढ़ता जाएगा। यहाँ आप देखेंगे एनर्जी जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें कोई भी वायर इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये बिना वायर के एनर्जी ट्रांसमिशन का एक उदाहरण है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसके बारे में ज़रूर लिखकर भेजें, और आगे भी हम आपको ऐसे अलग अलग वीडियो आपको दिखाते रहेंगे।